मान लिया है कि काम नहीं, हमको जो लग रहा है वो ठीक लग रहा है कि हम गलत सोच रहे हैं, ठीक हम समझ रहे हैं ना, ठीक समझ रहे हैं, इसका मतलब कि आप लोग शिक्षा वाली सरकार बनाना चाहते हैं, शिक्षा वाली सरकार होगी कि फिर वही होगा, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई होगी कि नहीं होगी, 15 साल जो पहले जो उन्होंने किया था चरवाहा विद्यालय कहकर और पूरी दुनिया में बिहार का नाम जगह साल करा दिया था, कहीं स्कूल में उस समय पढ़ाई हो रही थी, अस्पताल में इलाज गरीब लोगों का हो रहा था, उस समय लोगों को, नौजवानों को, मजदूरों को अपने प्रदेश में रोजी रोजगार मिल रहा था, उस समय भी मिल रहा था क्या उस समय? अब नीतीश जी आए उसके बाद 15 साल इनका ही पूरा हुआ, और 15 साल पूरा होने के बाद अब स्कूल में पढ़ाई होने लगी नहीं हो रही, अभी भी पढ़ाई नहीं हो रही, अस्पताल में डॉक्टर है सब जगह, इलाज का अच्छा इंतजाम है, नीतीश जी के रहने 15 साल के बाद भी नहीं हो पाया। नीतीश जी तो कहते थे 2005 में जब सरकार बनी उसके कुछ दिनों के बाद, जब पलायन रुक गया, नौजवान मजदूर बाहर नहीं जा रहे, बाहर के लोग अब यहां आ रहे हैं, वो बाहर मजदूरों को अपनी धरती पर रोजगार, यही सब ने कहा था नीतीश जी कि आएंगे तो करेंगे, तो पहले वाले तो नहीं किए, पहले वाले तो और इतना खत्म कर दिए थे बिहार को कि उस समय रेडियो चलता था बीबीसी न्यूज, बहुत लोगों को याद होगा जब रेडियो लोग खोलते थे बीबीसी का हिंदी प्रसारण, तो कहता उसमें जो एंकर या जो बोलने वाले होते थे खबर पढ़ने वाले, कहता था कि चलिए अब घोटाले के प्रदेश में, कहता था कि नहीं, कहता घोटाला ही घोटाला, तो उस समय वैसी स्थिति थी, उसी से बिहार को मुक्त कराने के लिए नीतीश जी आए थे ना, लेकिन नीतीश जी आए तो भी पढ़ाई नहीं, तो भी दवाई नहीं, तो भी कमाई नहीं, तो 15 साल बड़का भैया कुछ नहीं किए, 15 साल मझला भैया ये भी कुछ नहीं किए, तो 5 साल छोटा भाई उपेंद्र कुशवाहा को नहीं दीजिएगा। हम तो यही कहना, सिर्फ 5 साल दीजिए छोटा भाई, हक बनता है कि नहीं बनता है हमारा, और हक इसलिए नहीं हम जता रहे हैं कि उन लोगों की तरह 15 साल हम भी उसी तरह से राज भोगने का काम करें, इसलिए नहीं हम कह रहे, हम इसलिए कह रहे हैं